झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। व्यापार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भारत गेहूं के बड़े पैमाने पर निर्यात की योजना पर पूर्ण विचार कर सकता है। उनके मुताबिक आटे की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को रोकने के लिए इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि गेहूं की खरीद में कमी आई है और पहले के अनुमान की तुलना में उत्पादन कम रहने की संभावना है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 विपणन वर्ष में 24 अप्रैल तक गेहूं खरीद 136.9 लाख टन रही, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 35% कम है। इस दौरान मंडियों में गेहूं की आवक पिछले साल की समान अवधि की तुलना में करीब 20% कम रही है। वहीं संशोधित निर्यात अनुमान मार्च में लगाए गए रिकॉर्ड निर्यात के अनुमान के विपरीत है, जो फसल पर गर्म हवाओं के असर और आधिकारिक खरीद में कमी के आंकड़े सामने आने के पहले लगाया गया था। कुछ बाजार हिस्सेदारों का अनुमान था कि वित्त वर्ष 2023 में गेहूं का निर्यात करीब 210 लाख टन पहुंच जाएगा। बहरहाल व्यापार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वित्त वर्ष 23 यानी कि अप्रैल जून के पहले तीन महीने के दौरान भारत से 35 से 40 लाख टन निर्यात के सौदे हुए हैं। इसमें से करीब 10 लाख टन भेजा जा चुका है, जिसमें ज़्यादातर गेहूं बांग्लादेश और नेपाल गया है। इसके अलावा व्यापार से जुड़े सूत्रों का अनुमान है कि जुलाई सितंबर के दौरान भारत में 17.5 से 20 लाख टन गेहूं का निर्यात और ये कर सकता है, क्योंकि मानसून के दौरान ढुलाई में समस्या आती है। वहीं व्यापार से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, सरकार को इस पर फैसला करना है कि क्या वह निर्यात का विकल्प खुला रखती है या इससे इतर फैसला करती है। इस खरीद के अंतिम आंकड़ों और मांग के परिदृश्य पर निर्भर ये होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सितंबर तक केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या PMGKVI खत्म हो जाएगी, जो मुफ्त अनाज विपणन की योजना है। साथ ही एक व्यापारी ने कहा, उम्मीद है कि वैश्विक बाजार की बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि रूस जून में अपना गेहूं निर्यात बेहाल कर देगा। साथ ही हालांकि खरीद को लेकर व्यापार के सूत्र इस बात से सहमत हैं कि वित्त वर्ष 23 में गेहूं की आधिकारिक खरीद 250 लाख टन से ज़्यादा नहीं होगी, जो रखे गए लक्ष्य से 195 लाख टन से कम है। साथ ही व्यापार से जुड़े एक और अधिकारी ने कहा, अगले 15 दिन में देश भर की मंडियों में करीब 10 लाख टन गेहूं आएगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि खरीद 220 से 250 लाख टन पहुंच जाएगी, लेकिन अगर आवक में आगे और गिरावट आती है तो खरीद में और गिरावट आ सकती है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि अगर खरीद घटकर 250 लाख टन रह जाती है और इनमें 190 लाख टन पुराने स्टॉक को जोड़ ले, तो इस साल कुल करीब 440 लाख टन गेहूं उपलब्ध होगा। इसमें करीब 250 लाख टन सार्वजनिक विपणन प्रणाली के लिए मांग होती है। साथ ही जबकि PMGKVI और खुले बाजार में बिक्री के लिए 160 लाख टन गेहूं की और ज़रूरत होगी। इससे विपणन वर्ष के अंत में स्टॉक अधिशेष के रूप में बहुत कम रह जाएगा। जब तक कि सरकार मुफ्त अनाज विपणन कम करने या निर्यात पर रोक लगाने का फैसला नहीं करती। उत्पादन के बारे में ज़्यादातर विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त वर्ष 23 में भारत का गेहूं उत्पादन 1110 लाख टन के पहले के अनुमान से कम रह सकता है और ये 1020 से 1030 लाख टन रह सकता है। साथ ही बहरहाल खरीद बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने गेहूं के सूखे दानों का अनुपात बढ़ाकर 8% करने का फैसला किया है, जबकि पहले ये स्तर 6% रखा गया था। गर्म हवाओं के थपेड़ों के कारण फसल को हुए नुकसान को देखते हुए ये ढील दिए जाने का फैसला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।